मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। फिक्सिंग के दागी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को लेकर पाकिस्तान के दो पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और रमीज राजा आपस में भिड़ गए। अब मैं इस पे क्या ज्यादा बोलूं, देखिए किस तरीके की बात एक टीवी शो पर उन्होंने की है, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। देखिए जी, पहले तो दाढ़ी रख के झूठ बोलना लोग बंद कर दें तो बहुत। मैं आप जैसे बेशरम आदमी से यही बात सुन सकते हैं हम औरतों को, क्योंकि आपने ना क्रिकेट में कुछ किया है, बात नहीं करनी आती है आपको, खेलना खुलना आपको आता नहीं था, अब आपने यही बात करी और आप खुद को दाढ़ी रखने नहीं। मैं इनकी बात मेरे किसी सामने लाए, जरा कितने बड़े प्लेयर थे ये सिफारिश, जितने बड़े तुम प्लेयर हो, 200 है आपके, 67 क्रिकेट की बात करते हुए आप जैसे को तो बोलना ही नहीं चाहिए क्रिकेट पे, 200 है आपके टेस्ट, शर्म नहीं आती क्रिकेट की बात करते हुए, आपको शर्म नहीं आती क्रिकेट पे बात करते हुए, तुम्हें तो शर्म और कभी क्रिकेट की बात ना करें आप टीवी। यूसुफ साहब हमने बोला करें बस, आप टीचर हैं इंग्लिश के, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हरगिज मकसद ये नहीं था, तो सही तरह उर्दू भी बोल लो तुम तो यार, तुम तो अपने आप मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे क्रिकेट खेलनी आती है जिसपे मैं बात करता हूँ, आपको वो आती है खेलनी, हमने जो खेल लिया ना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, आप तो कॉलेज के स्कूल के क्रिकेट टीचर है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं आता आपको। चले जितने हल्के मेरी बात सुनो यार, सब लोग एक मिनट, मैं एक मेरा ख्याल प्लीज, मैं आप दोनों से लेवल के आप प्लेयर हैं ना, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, प्लीज मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे अलहदा बात कर रहा था और एक आमिर का इशू था जिसपे मैं आपका मौकफ लेना चाह रहा था, मैं सिर्फ रमीज भाई कितना इम्पोर्टेंट होगा टीम मैनेजमेंट के लिए इनको साथ लेके चलना प्लीज। जी यार देखो, पहले तो तुम ऐसे जो मकार लोगों को प्लीज ना लाया करो मेरे साथ, तो भाई मकार आप है जो अपने घर वालों पे भी केस कर देते हैं, आपसे ज्यादा मकार कौन है, तो तुम्हारे तुम पैसों के चक्कर में आप ये जो घटिया तरह के जो है ना, जो जाली मौलवी उनको ना लेके आया करो यार, दोनों भूतपूर्व पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी टीवी पर ही भिड़ गए।